देखो मत, मोमबत्तियाँ लगाओ। कैसी बातें कर रहे हो, मोमबत्तियों की जरूरत नहीं है। मोमबत्तियाँ तो लगाएंगे सर, आज आपकी सालगिरह है। थैंक यू। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इंस्पेक्टर फूंक मारो वरना ये केक पर टपकेगी और इसका जायका खराब कर देगी। हद है वैसे, हर वक्त खाने का सोचते हो तुम। एक बात बता दूं, ये बर्थडे काम को नजरअंदाज करने का बहाना नहीं बनेगा, ये बात जान लो और अपने जहन में रखो। सुन लिया तुमने? तुमसे कह रहे हैं, मुझसे क्यों कहेंगे? अली सर आपने किससे कहा, मुझसे या इबू से? मुझसे क्यों कहेगा, तुमसे कहा है उसने। इंस्पेक्टर ये तुम्हारा पसंदीदा केक है। तुम तो हर वक्त बस खाने का ही सोचते हो। हेलो नेस्लेहान। हेलो फिरहाद, कैसे हो? कल तुमने कहा था कुछ बात करनी है। मुझे रात से बहुत परेशानी हो रही है कि पता नहीं क्या बात होगी। क्योंकि तुमने कहा था कि बाद में कॉल करके बताओगे मुझे। हाँ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। बात तो अहम है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं ये सब। नेस्लेहान फिरहाद, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? क्यों डरा रहे हो मुझे? नेस्लेहान अभी मैं ठीक है आंटी, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। मुझे बताएं आप ठीक तो हैं? कोई सीरियस बात तो नहीं है? ठीक है आप फिक्र ना करें, मैं बस निकल रहा हूँ। नेस्लेहान अभी यहाँ जरा सूरत हाल खराब है, सुल्ताना खाला की तबीयत खराब हो गई है, हम सबको फौरन वहां जाना होगा। बाद में बात करता हूँ। शहर किरिमली के लिए जब से तुम्हें पहली बार देखा मैंने, तो मेरे लिए खत लिखना चाहता था। बहुत कचरा हो गया था, बल्कि ये तो गिरने वाला था तो सोचा कि फेंका। छोड़ दो इसे, नेस्ले हाथ खाली कर देगी और फिर वो इसे रिसाइकल करेंगे। ठीक है। क्या उसने पढ़ लिया? आंटी हुआ क्या है?
बताएं मुझे। सुल्ताना खाला ये बताएं कि आपने अपनी दवाई ली थी। मैंने दवाई ले ली थी भाई। अली माफ करना मुझे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं मैं। ऐसा मत कहें, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं लेटे लेटे बहुत थक गई हूं अली, मुझे सहारा दो, मैं बैठना चाहती हूं। नहीं आंटी, आपने अभी दवा ली है, लेटी रहें, आराम करें। क्या आपने कुछ नमकीन खा लिया था जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया? नहीं नहीं, मुझे नमक खाने की इजाजत नहीं है, तुम जानते तो हो। आंटी, जाहिर है मैंने आपको नजरअंदाज किया है, किरास के दर्द की वजह से आप मुझे संभालती रहीं। वो सब मेरे सिवा और कौन करता अली, ऐसी बातें ना करो। और तुम सब लोग मेरे सर पर क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। तो क्या तुमने अपने चीफ को कायल कर लिया अली? इंस्पेक्टर को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। शुक्र है मेरे अल्लाह, ये अच्छी खबर सुनने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। बहुत मुबारक हो तुम्हें अली बेटा। मेरी बहुत दुआएं हैं तुम्हारे साथ। शुक्रिया आपका। लगता है हर बात तुम्हारे नाम में छुपी है। तुमने सूरज की तरह मेरी जिंदगी में आकर अंधेरे को हटाकर मेरी दुनिया में उजाला कर दिया। हो सकता है अपने नाम की वजह से मैं तुम्हें शुरू में सख्त मिजाज, गुसीला और डराने वाला लगा हूँ, ना झुकने वाला ना कॉम्प्रोमाइज करने वाला। तुम्हारी रोशनी की आमद तक मैं खुद को ऐसा ही समझता रहा। तुम्हारे आने तक हमेशा मुझे मालूम रहा कि कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करना है। बस फिर मुझे पता चला कि मैं मोहब्बत में नौवारित हूँ। मैंने ये तुम्हारे साथ रहकर जाना, मुझे यूं लगा कि जैसे मैं अब तक जिंदा ही न था। हो सकता है कि मैं बाहर से चट्टान की तरह सख्त हूं, मगर मेरे अंदर एक आग चलती है जो तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर और तेज हो जाती है। वो आग अगर छोड़ दी गई तो दुनिया को जला देगी, हमें जो भी छुएगा वो जल जाएगा। जब तुम्हारी आवाज मेरी समाज में गूंजती है, मैं आहिस्ता से खुद से कहता हूं, आहिस्ता यमान, आहिस्ता। तुम्हें दुनिया चलानी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के साथ नई दुनिया बसानी है। वो ऐसा फूल है जो तुम्हारी तारीकी में भी खिल उठा है। तुम उसकी देखभाल और उसकी हिफाजत करोगे। मैंने खुद से कहा, अगर वो गिरेगी तो तुम उसे पकड़ लोगे, अगर वो रोएगी तो तुम उसके आंसू साफ करोगे, क्योंकि तुमने मुझे उस कहानी का किरदार बना दिया जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। उस कहानी में हीरो का किरदार मैं कर रहा हूँ और मैं इसे सच साबित करूँगा। तुम बस जिंदगी की सुबह बनकर मेरे सामने तुलू होती रहना, क्या तुम होगी?
मैं क्या कहूं तुमसे, बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती। अब मुझे भी तुम्हारे इस खत का बहुत खूबसूरत सा जवाब लिखना होगा। मैं इसके जवाब का मुंतजर हूं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, गौर से सुनो, मैं नहीं चाहता कोई चीज कम हो। बाल साहिबा। अरे सहर, माफ करना, लगता है तुम मेरे आने से डर गई। अपने काम में तुम इतनी महव थी, इसलिए मैंने आवाज नहीं दी तुम्हें। मैं तो घबरा गई थी अचानक। मुझसे आपको काम था क्या कोई? नहीं सहर, मैं जिया के लिए पानी लेने जा रही थी। इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। एक तरीका और है जो अब करना ही होगा। बेटी, तुमने ये जहमत क्यों की? मेरी तबीयत का सुनकर तुम यहां आ गई। मुझे आपका काम करके कोई जहमत नहीं होती सुल्ताना खाला, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बस थोड़ी कमजोरी हो गई है और कोई मसला नहीं, बीमारी तो आती जाती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इन लड़कों का क्या करूं। बेटी, आंटिया परेशान ना हो। अगर मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? तुम खुद ही बताओ, इस घर का सारा काम कौन करेगा? कौन खाना बनाएगा और सफाई वगैरह कौन करेगा? आप हमारे बारे में इतना मत सोचें, हम अपना और दूसरी चीजों का ख्याल रख लेंगे। आप अपना ख्याल रखें, यही काफी है। वो तो मैंने देख ही लिया है, सारे किचन का सामान फैला पड़ा है, सारे बर्तन गंदे हैं। अगर ये सब काम तुम लोगों पर छोड़े जाएं, तो फिर इस घर का अल्लाह ही हाफिज है। फिक्र मत करें सुल्ताना खाला, मुझे इब्बू का नहीं मालूम, उसे बस खाने की पड़ी रहती है।
मगर बाकी सब हम खुद संभाल लेंगे। क्यों परेशान हो रही है सुल्ताना खाला, मैं भी तो हूं ना। नेस्लेहान तुम पहले ही बहुत मसरूफ हो, तुमने हमारा सोचा, इसके लिए शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं, क्लास से फ्री होकर मैं यहाँ आ जाऊंगी और काम कर दूंगी। और वैसे भी आपने, किराज ने मेरी इतनी मदद की है, आपने हमेशा मुझे अपना समझा, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त ख्याल है। मेरा मतलब सुल्ताना खाला के लिए बेहतर रहेगा ना ये, क्यों? आप क्या कहते हैं इंस्पेक्टर? शुक्र है अल्लाह का, अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और मेरी फिक्र भी दूर हो जाएगी। क्यों ना अली, किराज का कमरा अब हम फिरात और इब्राहिम के लिए सेट कर दें। ये लड़का जितना सेहतमंद है इसके लिए सोफा नाकाफी रहेगा, और फिरात उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता है जो उसके लिए काफी नहीं, तो क्यों ना वो कमरा हम इन दोनों को दे दें? जी ये ठीक रहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में फूलों का कोई बाग खिल गया हो। मेरा दिल ऐसा है जैसे बरसों से उसे सूरज की रोशनी नसीब नहीं हुई। उसके होने ना होने का एहसास ही नहीं था मुझे, लेकिन अब जोर जोर से धड़कने लगा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हंसते हो तो हंसता है, तुम उदास होते हो तो उदास हो जाता है। जैसा तुम महसूस करते हो वैसा महसूस करता है। कभी लगता है कि दिल फट जाएगा खुशी से, कभी लगता है कि टूट जाएगा। तुम्हारी हर एक नज़र से, तुम्हारे हर एक लफ्ज़ से मेरे दिल में एक नया फूल खिलता है। इन फूलों के इस बाग की हिफाजत मैं खुद कर रही हूँ। इस बाग को देखते ही मेरे सारे खौफ दूर हो जाते हैं। ये जो बाग तुमने मेरे दिल में लगाया है, ये कहीं उजड़ ना जाए, बहुत खौफज़दा रहती हूँ मैं। लेकिन जैसे ही सर उठा के देखती हूँ तो मेरे सारे खौफ खुशियों में तब्दील हो जाते हैं। अब यकीन हो चुका है मुझे कि किसी भी तरह का तूफ़ान, कोई भी आंधी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तपते हुए सूरज तले मेरी सांस फूली हुई है, लेकिन शुक्र है कि ये बाग है। शुक्र है कि तुमने मेरे दिल में ये प्यारा सा बाग लगाया, जिसकी खुशबू, जिसके प्यारे रंगों में तुम और मैं हमेशा रहेंगे, खुश और आबाद रहेंगे आखिरी सांस तक। ये मुझे लिखी गई दूसरी बेहतरीन तहरीर है।
तो अब हम दोनों साथ हैं, क्या नहीं है हम दोनों साथ? फिर हमारी पहली डेट आज रात होगी। मैं आज तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। लेकिन यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं, बहुत दूर नहीं जा सकते हैं हम लोग, पता है ना? तुम फिक्र मत करो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। 8 बजे तैयार रहना। कहाँ जाएंगे हम लोग? आज शाम देख लोगे तुम। रिलैक्स हो जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं तुमने बताया नहीं। आओ मेरे साथ। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ये तो बिल्कुल वैसी ही दुकान है जहां पर हम बचपन में जाया करते थे। हम पहले बाहर नहीं निकल सके तो मैंने पहली डेट के लिए इस जगह के मुतालिक सोचा। पसंद आई तुम्हें? बहुत पसंद आई।
लेकिन इस दुकान के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये तो बताओ मुझे। तुम्हें मैंने तो नहीं बताया। जब तुम नाश्ते पर नेस्ले हाथ से बातें कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। मैंने सुना कि तुम्हारे बाबा और अम्मी इस जगह पर मिले थे। तो तुम हमारे लिए भी इसे स्पेशल बनाना चाहते थे? क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ये हूबहू पुडिंग शॉप की रेसिपी के मुताबिक बनाई गई है। इंजॉय करें। क्या तुम इसे नहीं चखना चाहोगी? ये तो सेम है, इसका टेस्ट बिल्कुल उस पुडिंग की तरह है जो मैंने पुडिंग शॉप में पहली बार चखी थी। बहुत मजे की है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सब के लिए। आराम से खाओ। बाबा ने बताया था हमें कि अम्मी को जब वो पहली बार इस शॉप पे लाए थे, अम्मी ने पहला चमचा ट्राई किया और उन्हें इतनी पसंद आ गई ये पुडिंग कि बाबा ने जो सवाल उनसे किए वो सुने तक नहीं उन्होंने। बाबा कहते हैं मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि अगर एक स्वीट डिश किसी को इतना खुश कर सकती है तो शादी कितना खुश करेगी उसे। तुमने अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसला कौन सा किया? मैं फिर से सीरियस हो गया है ना? ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि पहली डेट के लिए ये काफी सीरियस सवाल था तुम्हारा। ठीक कहती हो, फिर मौसीकी हो जाए। तुम क्या सुनना चाहोगी? मैं सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि बहुत सारी डिफरेंट साउंड्स भी सुनती हूँ, जैसे कि बारिश की आवाज और परिंदों के चहचहाने की आवाजें भी। मेरे लिए तो ये भी म्यूजिक है। क्या तुम कुछ पूछना नहीं चाहती? ठीक है। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें किस चीज से होती है? मैं अपने प्यारों के साथ बहुत खुश रहता हूं। अच्छा बताओ, तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? नीला पसंद है मुझे। पानी, आसमान, उम्मीद और बका का रंग है नीला। तो मैं भी तुमसे ऐसे ही सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन जवाब शायद हमें मालूम है। स्याह। तुमने तो खाया ही नहीं। मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। असल में मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी पुडिंग शॉप में तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वाकई अच्छी है। हाँ,
कौन सी फिल्में तुम्हें पसंद हैं? यानी किस किस्म की फिल्में देखती हो? मुझे पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। और जहाँ तक इस पुडिंग शॉप की बात है तो ये पुरानी टर्किश फिल्म्स में हमेशा नजर आती थी। फिल्में देखना पसंद है मुझे। आमतौर पे लव स्टोरीज अच्छी लगती हैं मुझे, और वो जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स होती है ना, उनकी तो बात ही कुछ और है। और तुम बताओ, तुम्हें कैसी फिल्में देखना पसंद है? इकबाल, क्या हम बरामदे में मिलकर चाय पिए? हाँ, इस तरह कुछ ताजा हवा भी ले लेंगे। मुझे लगता है कि तुम कुछ मुश्किल में हो। क्या हो तुम मुश्किल में? सुकून खत्म हो गया? हाँ, अकेला छोड़ दो मुझे सिया, कहीं नहीं जाना मुझे, प्लीज यहां से चले जाओ सिया। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, पुरसुकून रहो इकबाल, मैं बाहर जा रहा हूं। बाहर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं बाहर। सुकून तो मुझे तब आएगा जिस दिन वो नागिन खाला यहां से दफा हो जाएगी। उसे मरना का चिंता नहीं रहेगी। गौर से सुनो मेरी बात, जो मैंने कहा है उसका एक लफ्ज भी नहीं भूलना, एक लफ्ज भी नहीं। मैं खुश। शुक्रिया तुम्हारा, ये सब कुछ बहुत खास था मेरे लिए। हमारी पहली डेट पर तुम मुझे यहाँ लाए, अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। असल में मैं बहुत खुश हूँ मुझे जिंदगी में दोबारा कबूल करने के लिए, मुझे एक और मौका देने पर। मैं तुम्हारे दिल में अपने हाथों से बाग लगाऊंगा, हम दोनों के लिए। जैसे मैंने कहा, कोई रहम नहीं करना, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ में आई बात? उसकी जिंदगी खत्म करनी है तुम्हें। सहर करीमली को मरना होगा और सबको वो हादसा लगेगा।
मुझे लगता है देर हो गई है, हमें चलना चाहिए अब। ठीक है, मैं तुम्हें घर लिए चलता हूँ। यूसुफ देख लेगा तो क्या कहेगा, मैं उसे कैसे समझाऊंगी सब के बारे में? अगर वो पूछेगा तो मैं उसे पूरी सूरत हाल बता दूंगा। मैंने इस रिश्ते की वजह से हर खतरा मोल लिया, मुझे पता है कि यूसुफ कैसे खतरे में है, मगर मैं खौफजदा नहीं। चलो हमें अब चलना चाहिए। ठीक है। अरे हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। क्या है? मुझे पता चला था कि तुम्हें पुरानी फिल्में पसंद हैं। ये एक हसीन इत्तेफाक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या आप चलें? देर नहीं करनी। ठीक है। चलो। बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें जहमत दी। बिल्कुल नहीं, दरअसल हमने तुम्हें जहमत दी। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जो तुमने किया वो कोई और कभी ना करता। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। तो फिर चलो कल मिलेंगे। ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर। तुम यहां? हमारा ताल्लुक खत्म करना चाहता हूं मैं।